Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. तो स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियोज में. आई एम चंदन कुमार. वंस अगेन वेलकम टू यू नाउ इन दिस वीडियोज. आई विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन. तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्या है क्वेश्चन? तो कहता है क्वेश्चन भाई कि इतना लिख ले हैं है ना, तो एक बदल दीजिए काम में, पी वाई क्यू में बदल दीजिए ना. तो पी वाई क्यू में बदल दीजिए तो क्या बताए थे? अगर कोई अंक के पुनरावृत्ति होए, यानी एक ही अंक वहाँ बार बार आए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं ओकरा? इतना कह सकते हैं का? बिल्कुल कह सकते हैं. तो क्या बोले थे बनावेला? बटा देना जी, या बटा के नीचे एगो नौ, ऊपर में एगो आओ नौ, काट दो, कितना आ जाएगा? एक आंसर आएगा एक क्वेश्चन वहाँ के. तो चलिए हम लोग फुल डिटेल्स में इस क्वेश्चन को बनाते हैं. तो कहता है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना होगा? मानना होगा. यानी हम लोग लिखेंगे क्या? हल माना कि एक्स बराबर कितना? 0.9999. ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब यहाँ पुनरावृत्ति देखेंगे कितने अंक की हो रही है. तो एक अंक, एक अंक, एक अंक, एक अंक की हो रही है. तो लिखेंगे क्या यहाँ पे? यहाँ पुनरावृत्ति कितने अंक की हो रही है? एक अंक की हो रही है. यहाँ पुनरावृत्ति एक अंक 9 की हो रही है. अतः जब 9 की हो रही है तो क्या कहेंगे? जितना है जय अंक की पुनरावृत्ति उतने एक पर सुनना बैठाना, याद रखना इस बात को सबको जी. तो क्या लिखेंगे? अतः क्या करने पर? 10 से गुना करने पर. 10 से गुना करने पर, जब 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी? 10x बराबर 9.999. ठीक है ना? तो एक आओ 9 बढ़ा दो तो 4 गो हो जाएगा. तो हो जाएगा ना? तब एक एने भेजेंगे तो इन्हों आ गया का 4 गो. ठीक है ना? तब जरा देखिए लिख देंगे का इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब क्या करना है? एक में से ओकरा घटा देंगे ना. तो समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से, ठीक ना, एकरा में से एकरा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस एक्स अब बराबर 9.999. अब गुआउ 9 माइनस 0.9999 क्या हो जाएगा? 9x बराबर 9, तो x बराबर कितना? 1. कुछ देर पहले हम लोग यही वैल्यू फाइंड किए थे का? तो बताइए कितना इजी वे में हम लोग निकाल दिए. तो कैसे हैं आप लोग कि इस वीडियोज को देख नहीं पाए, इस वीडियो इस क्वेश्चन को सोल्यूशन दे नहीं पाए? तो चलिए इस वीडियोज को बिना देखे छोड़ना नहीं है, इस वीडियोज को देख लेना है हर हाल में. और इस तरह का अगर क्वेश्चन आए बनाने के लिए 3 नंबर के एग्जाम में, तो एकदम आँख बंद करके बना देना है. ठीक है ना? तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियोज में.